हेलो गाइस, व्हाट्सअप जी के बास्केट में स्वागत है आप लोग का एंड विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति। गाइस, एज आई इन्फॉर्म यू यस्टरडे दैट आई स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव इन विच आई विल गिव यू 5 वोकैबुलरी प्लस 5 न्यूज़, ओके? एंड न्यूज़ विल बी फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। गाइज, यू नो वेरी वेल कि हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है, तभी हम ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, तभी इंग्लिश का पेपर क्रैक होगा, और उसके लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। यू नो वेरी वेल कि सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, एंड SSC CGL टायर 3 में भी ऐसे राइटिंग आता है। या अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक PO में भी देखते हैं, उसमें भी आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ती है, ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है। तो गाइस, इनके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक क्या कि आपके पास टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपके पास अच्छा वोकैब होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास हैं तो हम ऐसे राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास वोकैब है तो हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। एज यू नो कि सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, या कॉमन एरर्स होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोकैबुलरी का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गाइज, मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू इनिशिएट किया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से, कि मैं करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज़ होंगी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, उन न्यूज़ से मैं क्या वोकैबुलरी तैयार करूंगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो सारी वोकैबुलरी उन न्यूज़ में होगी। तो इससे दो चीज़ तैयार होंगी आपकी, एक तो करंट अफेयर्स आपका तैयार होगा और दूसरा आपका वोकैबुलरी तैयार होगा। तो गाइस, इस न्यू इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है लर्न वोकैबुलरी विद न्यूज़, ओके। तो गाइस, आपको बता दें कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आपके मोबाइल में आइकन होगा सब्सक्राइब का, उसको आप हिट कीजिएगा। इसके बाद आप लोग ये बेल आइकन देख रहे हैं, इसको भी आप हिट कीजिएगा, तो आपको न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। तो भाई, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने आज पहले मीनिंग्स पर, ठीक है। पहले है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो गेट रिड ऑफ, इसका मीन क्या है, इसका मीन है फ्रेजल वर्ब है ये टेक आउट। क्या है मीन, टेक आउट। तो गाइस, इससे पहले फ्रेजल वर्ब क्लियर होना चाहिए। कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेजल वर्ब होता है कि वर्ब को जब हम प्रेपोजिशन के साथ में, या मैं बोल दूँ वर्ब को जब हम एडवर्ब के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा मीन आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो गाइस, फ्रेजल वर्ब का मीन इनसे अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, तो गेट रिड ऑफ क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन क्या होता है, छुटकारा पाना, मुक्त होना, टाल देना। एंड हेयर यू आर सीइंग सिनोनिम्स, डू अवे विद। गाइस, मैंने वही यहाँ पे सिनोनिम्स लिया है जो कि एग्जाम्स में आते हैं, कास्ट असाइड, अनदेखा करना, या मुक्त हो जाना, या छोड़ देना, या टाल देना, या थ्रो आउट होता है, रिमूव होता है, ठीक है। ये रहे इसके सिनोनिम। अब एंटोनिम की बात आती है तो क्या, क्रिएट होता है, गिव बर्थ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, रिमूव कर देना, खत्म कर देना, और स्टार्ट कर देना, ठीक है, प्रारंभ कर देना। तो आप यहाँ पर अगर आपको सिनोनिम्स, मैंने वही सिनोनिम्स लिया, मैं एक बार फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, जो एग्जाम्स में आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, इफ पार्लियामेंट इज कम्प्रोमाइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन ऑर्डर, देन डेमोक्रेसी इज थ्रेटन। थ्रेटन मतलब भयभीत, ठीक है। सो पीपल शुड गेट रिड ऑफ फियर। तो गाइस, ये बोल रहा है, आजकल ये न्यूज में रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, किसके ऊपर, दीपक मिश्रा के ऊपर। दीपक मिश्रा कौन है, यू नो वेरी वेल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इन्होंने क्या आरोप लगाया, इन्होंने आरोप लगाया है कि जो चीफ जस्टिस हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, वो चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक जो भी काम होता है उसको असाइन कर देते हैं, किसको, जो कि उनके मन मुताबिक जजेस होते हैं उनको कर देते हैं असाइन, यानी इन लोग को फंक्शन नहीं देते हैं। कोई केस है तो अपने मन मुताबिक दूसरे जजेस को सौंप देना। तो इसके लिए क्या इन्होंने बोला, क्या कि इफ पार्लियामेंट इज कम्प्रोमाइज, अगर पार्लियामेंट भी समझौता कर लेती और सुप्रीम कोर्ट भी आदेश अनुसार काम नहीं करता है, देन डेमोक्रेसी इज थ्रेटन, तो हम बोल सकते हैं लोकतंत्र क्या है, खतरे में है, समझना, लोकतंत्र क्या है, खतरे में। सो पीपल शुड गेट रिड ऑफ फियर, एंड इसलिए क्या होना चाहिए, लोगों को डर से निकलना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्पीक अप, मतलब बाहर आके बोलना चाहिए लोगों को, समझे ना। तो कह रहा है कि
इफ पार्लियामेंट इज कम्प्रोमाइज, अगर पार्लियामेंट समझौता कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट भी आदेशानुसार काम नहीं करता है, अपने ढंग से काम नहीं करता है, देन डेमोक्रेसी इज थ्रेटन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि गेट रिड ऑफ, तो हमें क्या भयभीत से मुक्त होना चाहिए, हमें इस भय से मुक्त होना चाहिए और आगे आके बोलना चाहिए जिस तरीके से इन जजों ने बोला उसी तरीके से हमको भी बोलना चाहिए, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में यशवंत सिन्हा ने कहा। चलिए गाइज, ये हमारा पहला न्यूज रहा, ठीक है, हमने करंट अफेयर्स भी देखा, क्या कुछ न्यूज में चल रहा है उस चीज को हमने देखा। नेक्स्ट चलते हम, जो अगला हमारा मीनिंग है प्रूडेंस। तो गाइज आप यहां पर देख रहे हैं मीनिंग क्या है हमारा, प्रूडेंस, ठीक है। प्रूडेंस का हिंदी मीन क्या होता है, समझदारी, बुद्धिमानी या पूर्व विचार। अब आप पॉलिटी में भी आता है ये वर्ड डिस्क्रेशन, कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन से ये काम कर लेता है, मतलब होता है विवेक, ठीक है, क्या होता है विवेक मतलब। तो क्या है डिस्क्रेशन, किस चीज में, कोई काम है उनमें डिस्क्रेशन, कोई प्लानिंग है उसमें डिस्क्रेशन। तो अब देखो जरा यहां पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो प्रूडेंस का मीन होता है हिंदी समझदारी, और यहां पर क्या है फ्रुगैलिटी, फोरसाइट, केयरफुलनेस, देखो आपको यहां पर लिखा केयरफुलनेस या डिलीजेंस। तो ये मैंने वही सिनोनिम दिया है जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है भाई, इग्नोरेंस, अगर हम केयर कर रहे हैं तो हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या प्रूडेंस, और क्या लग गया इसमें इम्प्रूडेंस, यानी इम क्या है इसमें प्रीफिक्स, ठीक है, तो याद रखना इम्प्रूडेंस। अब गाइस इसमें चलते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स का क्या न्यूज इससे कनेक्ट होता है भाई, देखो क्या कह रहा है, रेनिंग इन फिकल डेफिसिट, यानी बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, क्या बोलते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा, हिंदी में क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा। आपने पढ़ा होगा बजट के दो अकाउंट होते हैं, दो खाते होते हैं बजट के, एक क्या होता है दो पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक क्या होता है रेवेन्यू होता है और एक क्या होता है कैपिटल होता है। तो रेवेन्यू में भी क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, रिसीव होता है, ठीक है, और कैपिटल में भी क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है और रिसीव होता है। चलो भाई रिसीप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और रिसीप्ट, इनको क्या रिसीप्ट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो उसे बोलते हैं राजस्व घाटा। अब यहाँ कैपिटल में भी अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ये क्या होगा कैपिटल घाटा। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है, ठीक है, और हमारा जो क्या होता है टोटल रिसीप्ट निकलता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और टोटल रिसीप्ट क्या होगा कम होगा, तो इस तरीके से जो घाटा होता है दोनों पार्ट को मिला के उसे हम बोलते हैं क्या फिस्कल डेफिसिट, यानी मैं बोल सकता हूँ राजकोषीय घाटा। तो ये आई होप समझ में आया होगा इतना। अब वही बोला है रेनिंग इन फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेजिंग टैक्सेस, सो मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट बजट, यानी बजट आने वाला है। तो क्या बात कह रहा है कि बजट में आपको जो डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, इसको आपको कम करना है, और कैसे विदाउट रेजिंग टैक्सेस, जैसा नहीं कि टैक्सेस बढ़ा दो तो आपको क्या रिसीव ज्यादा होने लग जाएगी, इस तरीके से नहीं, आप रेशनलाइज कर सकते हो, यानी जो भी आपके खर्चे होते हैं उनमें कटौती कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से मेंटेनिंग फिकल प्रूडेंस बोल रहा है क्या कि हमें क्या करना है, जो राजकोषीय घाटा हमें हो रहा है उस पे हमें विचार करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्या नेक्स्ट बजट में। सरकार के समक्ष ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने जो 3.2, कितना 3.2 रखा है कि अगले 2 सालों में 2018-19 में हम क्या कर लेंगे, 2018-19 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना होना चाहिए 3.2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फिकल प्रूडेंस मतलब आप जो बना रहे हैं अपना बजट, उस बजट में आपको राजकोषीय घाटा कम करने के लिए क्या करना चाहिए, पूर्व विचार करना चाहिए, बुद्धिमानी पूर्वक कोई निर्णय लेना चाहिए, यानी आपको इसमें टैक्सेस कम, टैक्सेस रेज नहीं करना चाहिए कि आप टैक्स की दर बढ़ा दो तो इसलिए आपको ना रिसीव ज्यादा होने लगा, वो चीज नहीं कर सकते हम। तो कहा यहाँ पर दो चीज की प्रूडेंस मतलब समझ आया कि समझदारी, बुद्धिमानी, पूर्व विचार, और साथ में समझ में आया कि 3.2 क्या ये हमने रखा है, लक्ष्य रखा है सरकार ने क्या 3.2 करेगा जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी कितना 3.2% क्या फिकल डेफिसिट इन 2018-19 में। तो एक चीज ये क्लियर हुई, दूसरी चीज प्रूडेंस क्लियर हुआ, प्रूडेंस क्या होता है, और साथ में हमने क्या देख लिया बजट को भी देख लिया, बजट के पार्ट किस तरीके से होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली मीनिंग्स पे चलते हैं गाइस। तो हमारी अगली मीनिंग क्या है, अगला हम देखते हैं, अगला मीनिंग है हमारा थर्ड हिंडर, ठीक है, इसको समझना है यहाँ पे हमको। हिंडर, हिंडर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो हिंडर वर्ब भी होता है और हिंडरेंस मैंने यहाँ पे लिखा ये भी। तो अगर मैं हिंडरेंस लिखता हूं तो बाधाएं, ये क्या बन गया नाउन बन गया, ठीक है, और ये क्या है हिंडर मतलब बाधा डालना, ठीक है, तो एक्शन कर रहे हैं तो एक्शन क्या होती है वर्ब होती है बाधा डालना। अब आप देखो क्या बोल रहा है, प्रिवेंट द प्रोग्रेस, यानी जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी विकास हो रहा है, उस विकास को रोकना मतलब क्या हो गया बाधा डालना। अब इसका भाई हिंदी में होता रुकावट, अड़चन डालना, बाधा पहुंचाना। सिनोनिम्स क्या है इसका, सिनोनिम है इंपीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर या डिटर,
ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? एक्सपीडाइट मतलब तेजी करना, फैसिलिटेट मतलब सुगम बना देना। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे सिनोनिम्स बताया, फिर उसके बाद एंटोनिम्स बताया, और हिंड्रेंस क्या होता है? बाधाएं। तो क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड्स मतलब फंड्स की कमी के कारण अ मेजर हिंड्रेंस इन सर्वाइविंग ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स आफ्टर ओखी डिस्ट्रक्शन इन केरला। तो कह रहा है कि केरला में जो ओखी डिस्ट्रक्शन, ओखी क्या था? ओखी एक साइक्लोन था, उसने क्या किया? उसने डिस्ट्रक्शन किया, साइक्लोन के बोल तूफान को, ठीक है, उसने डिस्ट्रक्शन किया कहां पर? केरला में। तो डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हो रहा है कि ओलिव रिडली टर्टल्स है मतलब कुछ कछुए हैं, कछुए की प्रजाति होती है, तो क्या उनका सर्वाइवल खतरे में आ गया है? किसकी वजह से? कुछ बाधाएं। बाधाएं क्या है? तो हिंड्रेंस। क्या हिंड्रेंस है? शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो हमने यहां पर देखा ओखी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी ओखी कब आया? दिसंबर में आया था। कहां आया? केरला के तट पे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, हम करंट अफेयर भी देख लेंगे। और साथ में हमने क्या देखा? हिंडर क्या हमारा वर्ब है और हिंड्रेंस क्या हमारा नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्लियर हुआ ये मीनिंग। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट मीनिंग पे, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा थ्रेस, ठीक है। तो थ्रेस को समझेंगे भाई। थ्रेस क्या है? वर्ब, ठीक है। वीक थॉरोली एंड कंक्लूसिवली इन अ कंपटीशन और फाइट। तो क्या रहा है थ्रेस मतलब? क्या होता है? बुरी तरह से हराना, पीटना, ठीक है। आजकल ये वर्ड काफी जो होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया या ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो थ्रेस यूज करते हैं। तो कह रहा है थॉरोली एंड कंक्लूसिवली इन अ कंपटीशन और फाइट, ठीक है। तो बुरी तरह से पीटना या हराना। तो सिनोनिम क्या है? बीटअप भी कर सकते हैं यार, ट्राउंस ओवर हिम तो सुना होगा आपने, ठीक है, एक क्रूश सुना होगा। इसके बाद एंटोनिम्स क्या आता है? सरेंडर, भाई आप अगर यहाँ जीत रहे हो तो यहाँ सरेंडर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? लूज मतलब हार गए आप। तो इस तरीके से मैंने सिनोनिम बताया, एंटोनिम्स बताया, क्या है वर्ड? वर्ड है हमारा थ्रेस। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा यार? इंडिया थ्रेस्ड बांग्लादेश, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया इन इट्स फोर्थ मैच, अपने चौथे मैच में, कहां पर? ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। तो गाइस इसको याद रखना, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हो रहा है, कहां हो रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान प्लस UAE, ठीक है, इन दो जगहों पर हो रहा है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि कब चल रहा है? जनवरी में चल रहा है हमारा, ठीक है। तो थ्रेस्ट क्लियर हुआ कि थ्रेस्ट क्या होता है? थ्रेस्ट मतलब हराना। तो इंडिया थ्रेस्ट बांग्लादेश इन इट्स फोर्थ मैच ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। तो भाई यहां पर क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। अब अपने लास्ट वर्ड पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट वर्ड है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है? लास्ट वर्ड आता है हमारा वुई, ठीक है। तो वुई को हम देखते हैं, ये क्या इसका मीन होता है? तो वुई मतलब क्या? एक अटैचमेंट या बाइंडिंग, मतलब बंध जाना, ठीक है, उत्साह बढ़ाना हिंदी में बोलते हैं, बांधना बोलते हैं, संभालना बोलते हैं, ठीक है। अब सिनोनिम्स क्या होगा यार? किसी संभालेंगे तो गाइड करेंगे या वेकन, ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों सिनोनिम्स हैं। अब भाई एंटोनिम्स क्या होगा? अगर किसी को उत्साह बढ़ा रहे तो किसी को डिमोलाइज भी कर सकते हैं, डिप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? एग्जाम्पल है वीड वाई सपोर्ट फ्रॉम पॉन्डिचेरी मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मलादी कृष्णा राव द फिशरमैन कम्युनिटी हैड डिसाइडेड टू सेटअप इट्स एग्रीटेशन। एक्चुअली बताऊं आपको है क्या इसमें, कि पॉन्डिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, नाम क्या है? पुदुचेरी भी बोलते हैं इसको, पॉन्डिचेरी, ठीक है। तो पॉन्डिचेरी के जो फिशरमैन है वो एक डिमांड कर रहे हैं क्या, कि उन्हें ST कैटेगरी में शामिल करो। अब वो एग्रीटेशन तो कर रहे थे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि ऐसा करो आप लोग, एग्रीटेशन तो कर रहे हैं यार वो लोग, लेकिन क्या कि उन्हें सपोर्ट नहीं हो रहा। तो अब इनको क्या, वीड मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, इनका सपोर्ट मिल गया किसका? पुदुचेरी के जो मिनिस्टर हैं उनका सपोर्ट मिल गया। तो अब क्या कर रहे हैं, ये आगे आए और इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ध्यान रखना कि फिशरमैन, कहां के फिशरमैन विरोध, कहां के फिशरमैन ये मांग कर रहे हैं कि हमें ST कैटेगरी में शामिल करो, तो वो क्या हो गया? पॉन्डिचेरी हो गया। इसके सिनोनिम क्या हो गए? मैंने आपको बताया। एंटोनिम क्या हो गए? मैंने आपको बताया। तो गाइस इस तरीके से ना आज हमने 5 वर्ड्स को देखा, उनका सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या, और वो करंट अफेयर से कैसे जुड़े हुए हैं। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। Thank you very much for watching it.